सभी अव्यक्त फरिश्ते रूप में बैठेंगे। हमारे बीच काशी नगरी से आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी बैठी हैं। हम सभी के निमित्त, हम सभी की ओर से आज वतन में भोग लेकर बाबा के समक्ष जाएंगी। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सभी भाई बहन बैठे रहेंगे, प्रभु आपके सामने वचन विमर्श हो रहा है। प्रभु संग संग सभी सेवाधारी दुनिया के सावधान क्या, इस दुनिया के सुख पाने का, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। बहुत सुंदर दृश्य है। सभी बाप दादा अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। भाइयों से बहनों से अनुरोध है, कोई आगे नहीं आएंगे, अपने स्थान से सबको अनुभव करेंगे कराएंगे। कृपया बैठ जाएं। बेटी कह रही है सब एक बार बैठ जाए, मैं सबको एक बार देखना चाहती हूँ। विद्या दीदी इस समय आई हुई है, वो कह रही है सब बैठ जाए, मैं एक बार आखिरी बार सबको देखना चाहती हूँ। प्लीज एक बार आप लोग बैठ जाएंगे, आप लोग सब बैठ जाएंगे। विद्या दीदी कह रही है कि मैं एक बार सबको सम्मुख देखना चाहती हूँ, इसके बाद मैं दोबारा आप लोग को देखूँ या ना देखूँ मुझे खुद नहीं पता, बाबा मुझे कहाँ लेके जाएगा। प्लीज एक बार बैठ जाएंगे आप तो, एक बार सब बैठ जाएंगे। आप लोग दृष्टि ले लिए, ये शायद आखिरी मुलाकात है विद्या दीदी से, इसके बाद कोई नहीं जानता है कि दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लीज बैठ जाएंगे सब आप लोग। आप सभी बैठ जाइए ताकि पीछे वालों को भी अच्छी तरह से दृष्टि मिल सके, मिल सके।
दूसरे का भाग्य मत काटिए, आप बैठ जाइए। बैठने से आप सबको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा, इसलिए शांति से जो पावर मिल रही है, दृष्टि मिले, इसको पूरा पूरा लीजिए, ताकि जो आपके संकल्पों की कमी है वो पूरी हो जाए। मिलने का दिल था ना सबका, इसलिए दीदी जी का अंतिम इच्छा थी, ये तो नहीं लोग समझ पाए, लेकिन उनके अंदर था कि सभी बहनों को बुला लीजिए, हम सबसे मिलना चाहते हैं। अनिल भाई को याद कर रही है बहनी, अनिल भाई आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आ जाएं। इच्छा है कि दो शब्द उसको बोल के जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, बैठ शब्द बोलेंगे, आशीर्वाद सब संतुष्ट हो जाएंगे। जानते हैं
जब जब जिसका पाठ होता है तो कभी भी चलता है शरीर के द्वारा समय उत्साह लेकिन किसी रूप में अपनी कल्प में जो बाबा जिस रूप में भेज रहे हैं उसके अनुसार जहाँ बाबा भेज रहे हैं बहुत ऊंची महान सेवा और उस सेवा की बराबर बहुत बहुत देगी बाबा का एक ही आदेश है कि बस अभी अंत का समय है इसलिए एक बाबा जाए और कुछ याद नहीं है करने का संपूर्ण करने का बाबा के पास को पूरी करके लिए बाबा से बढ़ने से सेवा का कार्य संचालन करते सभी को बहुत जल्दी चलिए स्लो गति से तीव्र गति से सभी रिक्वेस्ट सेवा करें फास्ट गति से चले फास्ट गति का इशारत करें जो बाबा के अनुमान को हम सभी शीघ्रता से पूरा कर सकें प्रति सभी का विश्वास और सब कुछ बाबा का है मेरा कुछ नहीं अगर सब कुछ तेरा है तो और कोई बात नहीं है अगर कभी मेरा है तो फिर बाबा छूट सकता है इसलिए सब तेरा है उस तेरे के हवाले सब करके फिर बहुत शीघ्र ही बाबा के अभियान को पूरा कर सकते इस कल्प में भी बोल करके आस पास में सेवा करते हुए आपने सबको संतुष्ट किया सबके दिल खुश हो गई उनकी इच्छा सभी के मिलने की बहुत रही आपने बहुत बहुत भरपूर किया आपके संकल्पों को आपके वचनों को हम सभी पूरा पालन करेंगे जो भी पड़े हुए
बहुत खुशी खुशी से पावन के पास आपकी बहन मुझे भी बहुत देखते हुए प्रेरित से बोलती है अच्छा बहन जी आप भी मेरे पास आ गए मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आप तो हम सबको झुके से छोड़ कर आ गए जल्दी से उस समय तो मिल नहीं पाए। बाबा ने जो ये डॉक्टर मुझे भेजी है उसके द्वारा तो मेरी सहेली आपसे मिल भी सकते थे तो आज बाबा के पास आपके पास सब हमारी माँ बहनी भाई सब माताएं भाई हमारी जितने भी भाई बहन दूर से भी यहाँ से भी आए हुए थे मेरी मैंने कहा कि आपके लिए देखिए कहाँ से सभी चल करके आए हुए आपसे इतना सबका समय है आपने इतना सबको समय दिया है इस समय के आधार से सब उठते उठते आपसे मिलने के लिए आप विशेष पहुंचे। पहले बाबा को कहा कि बाबा आज आप पहले भोग स्वीकार कीजिए तो फिर विद्याबेन जी ने कहा कि बाबा मैं पहले नहीं खाऊंगी पहले आप स्वीकार कीजिए तो आप ही अपने इतने दिन से जो भी कुछ मैंने खाया वो तो खाया लेकिन अल्पकाल का बाबा ने कहा नहीं जो तुम कर रही थी उसमें आप डबल कमाई कर रही थी। डबल कमाई कैसे कर रही थी एक तरफ तो पिछला जो खाता था वो आप उसको चुकतू करके हल्की हो रही थी बोझ हट रहे थे दूसरे तरफ पुण्य का खाता भी आप जमा कर रही थी सेवा भी साथ साथ में करती रहती थी जिसका डबल फल इसलिए बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्ची इतने स्नेह से सबकी सेवा की है तो देखो कितना कुछ आपके लिए सभी बने बना के इतने प्यार से भेजा है इसमें हर एक का स्नेह समाया हुआ है तो वो सब चीज़ों को बड़े प्यार से देख रही थी और देखते देखते मुस्कुराती समझती वो समझ भी गई होंगी किस किस ने क्या क्या बनाया है तो वहाँ तो ये भी शक्ति मिल जाती नवर्धन में वो भी जानकारी मिल जाती से मुस्कराते मुस्कराते देख के तो पहले बाबा को खिलाई फिर बाबा को कहा कि आज जितना खिलाना है आज पेट भर के खाऊंगी मुझे आपके हाथ से ही खाना है तो बाबा ने खाया और खाते खाते फिर बाबा से कहा कि ये तो साकार वतन से हमारे सभी भाई बहनों ने भेजा है तो आप यहाँ का मुझे क्या खिला रहे हैं मैं वतन का भी कुछ खाऊंगी चिट चैट करती थी ना तो इसलिए
बाबा से चिट चैट कर रही थी तो बाबा ने कहा अच्छा तो मैं सूबी रस पिलाता हूँ, भोजन किया अभी सूबी रस पियो जिससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, जो इतने दिन की कमजोरी है वो यहीं एक सेकेंड में आपको, उस समय शायद उनको साक्षात्कार हुआ था अंत के समय में कि अभी तुमको जाने का है लेकिन खुश रहो, संतुष्ट रहो, बाबा के साथ रहो, बाबा को अपने साथ रखो, हाथ पकड़े रहो, हाथ पकड़ पकड़ करके मेरे पास आ जाओ। तो मेरे पास वतन में पहुंच गई हो, आज बाबा ने बोला कि क्या क्या आपने अनुभव किया वो भी अपने भाई बहनों को सुना दो। तो कही कि मैं तो बहुत कुछ अनुभव की हूँ, बाबा के हर संबंधों से कैसे रसना मिलती है, कैसे शक्ति मिलती है, वो सब बाबा ने मुझे भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधों का अनुभव भी कराया। और आगे जहाँ सेवा करने के लिए, उस सेवा करने के लिए विशेष शक्तियाँ बाबा ने मेरे अंदर भरी हैं। तो बाबा से पूछ रही थी कि आप यहाँ बैठे बैठे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हो तो मेरे को भी वो यही अनुभव करा कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची देखो अभी तुमको भी वहाँ सब याद कर रहे हैं। तो कहा पहले करने सबसे मिलते बाबा के पास फिर पहुँच। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ये कितनी सेवाधारी अथक सेवाधारी आत्मा है और विशेष बात जिनका यहाँ भी रहा और आगे भी जो बात है वो विशेष मिला है, विशेष बहुत विशेष आत्मा है और के बंधनों से मुक्त करके और हिसाब किताब भी इतने ठीक है संतुष्ट होना। तो कहें कि हाँ मैं आपको अभी इसलिए पहुंची ये सेवा जो आदमी बाबा ने फिर उनको थोड़ा समय उनका श्रृंगार भी किया। तो आओ आपको फिर बिंदी तिलक बाबा ने सब लगाया, तेक लगा करके फिर जो श्रृंगार है वो भी फूलों का ही था, वो उनका श्रृंगार किया। तो जैसे कि वतन से उनको विदाई भी दी बाबा ने कि अच्छा जाओ तुम्हारा आवाहन अब वहाँ हो रहा है, अपने समय पर वहाँ पहुँचो और सेवा भी जुट जाओ। तो पहले तो संकल्प के द्वारा सेवा करेंगे, उसके बाद में फिर धीरे धीरे साकार में ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने भी कहा कि मेरे भाई बहनों को यही कहना है कि जो बाबा की आज्ञाएं हैं उन आज्ञा पर विशेष रीति से चलें, पर चिंतन न सुनना है न करना है, बस एक स्वचिंतन और विश्व की आत्माओं के लिए उनके कल्याण के लिए ही चिंतन चले
तो बहुत जल्दी अपने को प्राप्त कर सकेंगे। और बहुत बहुत सबको याद किया।